सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप कॉलेजेस ऑफ कोल्हापुर फॉर इंजीनियरिंग। यहां पर हम बात करेंगे कि कौन सी कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस देना चाहिए अगर आपकी परसेंटाइल कम है, अगर आपकी परसेंटाइल ज़्यादा है तो आपको किस कॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, कैसे आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अपनी कॉलेज लिस्ट बनानी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट वन थिंग मैं याद कराना चाहूँगा कि हमने MSCET काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। उसके लिए अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे इधर काउंसलिंग करा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है मैंने उस वीडियो का भी और गूगल फॉर्म का भी, आप उसको भरिए। बाकी की सारी चीज़ें हम उस वीडियो के अंदर, और आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सबसे बेस्ट कॉलेजेस फॉर कोल्हापुर इज फर्स्ट नंबर पे आता है कोल्हापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIT। KIT के अंदर अगर मैं बात करूं आपको एडमिशन लेना है तो सबसे बेस्ट ब्रांच वहां पर मैं बोलूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये कॉलेज सबसे बेस्ट है। तो अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहां का कट ऑफ अगर CS का देखा जाए ओपन के अंदर तो 93.84 है, और 93.84 के अलावा अगर आपको ओपन कैटेगरी के अलावा अगर आप दूसरे कास्ट में हैं तो आप इंस्टीट्यूट कोड डालकर चेक कर सकते हो। ठीक है, कोल्हापुर का KIT का है 6267। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉलेज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर दूसरे SBC या फिर दूसरे कैटेगरी का कितना परसेंटाइल था लास्ट ईयर का, ये सब जानने के लिए आप इंस्टीट्यूट कोड पर जाकर इस बारे में जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है सेकंड नंबर पे इज DKT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग विच इज इन इचलगंजी, और इसका कट ऑफ जो आता है अगर मैं CS के ब्रांच की बात करूं तो इसका कट ऑफ 92.14% आता है। इसका इंस्टीट्यूट कोड है 6222। बट अगर DKT की बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे बेस्ट ब्रांच DKT में टेक्सटाइल की है। टेक्सटाइल के लिए लोग बाहर से भी स्टडी करने यहां पर आते हैं, और इसका कट ऑफ टेक्सटाइल का अगर मैं DKT का बात करूंगा तो इट इज व्हाट समथिंग 95 का कट ऑफ कुछ तो लगता है अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर है तो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं CS से भी ऊपर का कट ऑफ DKT का लग रहा है टेक्सटाइल के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट DKT के अंदर टेक्सटाइल में है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड आता है अपना भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज इन गडिंगलज, और इसका परसेंटेज है हमारा कट ऑफ ओपन के लिए CS का 85.16। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इसका इंस्टीट्यूट कोड पे जाकर सब कुछ चीज जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आएगा अपना संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज इन चिंचवड़ी, इसकी परसेंटाइल आती है 82.46 ओपन के अंदर, और इंस्टीट्यूट कोड 6803 है। देन DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान, और ये वाला ठीक है, DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कस्बा बावड़ा, ये दोनों कॉलेजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, और दोनों के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए। आपकी परसेंटाइल अगर आप प्रतिष्ठान में लेना चाहते हैं तो समथिंग व्हाट 1-2% बढ़ जाती है, और कस्बा बावड़ा में 80.45% है। ठीक है, अब 6 नंबर के बाद से अगर मैं बोलता हूँ उसके बाद आप नीचे की कॉलेजेस देख सकते हो। अगर आपकी परसेंटाइल कम भी है तो आप इन कॉलेजेस पर ध्यान दे सकते हो। JJ मखदूम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयसिंहपुर, इसकी परसेंटाइल अगर आपकी 80 के आसपास बन रही है, या फिर शरद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तात्या साहेब कोड़े कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वारदा नगर, और संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सोमवारपेट, ये चार कॉलेजेस के ऊपर आप ध्यान सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे कम परसेंटाइल 70 तक भी जा रहा है, तो मैं बोलूंगा अगर आपकी परसेंटाइल लो है तो भी आप इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हो। आप बोल रहे होगे आपकी परसेंटाइल 70 के आसपास भी नहीं बन पा रही है, तो देखिए कट ऑफ और कैपराउंड जब चालू होते हैं तो पहली बात तो ये रहता है कि कैपराउंड 2 कैपराउंड 3 जब होने लगते हैं तो ये कट ऑफ और भी नीचे गिर जाते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर कैपराउंड 2 के अंदर आप जाओगे तो ये परसेंटाइल समवॉट 60 के आसपास भी अगर आपकी परसेंटाइल है तो भी आपको मिल सकता है कॉलेज। और अगर आप कास्ट के अंदर बिलोंग करते हैं तो आपको 50-45 ये सारे कॉलेजेस नीचे के तो भी मिल सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप इन कॉलेजेस पर ध्यान दो अगर आपकी परसेंटाइल लो है तो भी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आपको कॉलेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।